बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम हेयर विद यू विद दिस 11th लेक्चर ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कोर्स। लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज डॉक्टर आफ्ताब अकरम एंड आई हैव डन माई पी एच इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम साउथ चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी इन गुआंगडू चाइना। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ लेक्चर इन डिवीजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन दाहो। And this lecture is actually the second part of the algorithm analysis series. And हमने last lecture में जो lecture 10 था उसमें हमने chapter number 3 start किया था अपनी textbook का। तो उसमें हमने algorithm analysis basically हमने discuss करना start किया था। So this is the part 2। इस lecture में जो है वो हम discuss करेंगे कि what are बेस्ट worst एंड एवरेज केसेस। तो जब भी हम किसी algorithm का analysis करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो एल्गोरिथम है ये डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे काम करेगा। तो ये जो आज का लेक्चर है ये बेसिकली इसी बारे में है कि इनपुट साइज चेंज करने से जो एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस है वो किस तरह से चेंज होती है। सो लेट्स बिगिन दिस दिस ओके। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि ये जो इनपुट साइज में वेरिएशन है किस तरह से होती है। तो सपोज वी वांट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एन। तो हमने ये करना है कि हमने लास्ट जो कुछ क्लासेस थी उसमें हमने ये एक एल्गोरिथम भी डिस्कस किया था कि जिसमें हमने एन का फैक्टोरियल फाइंड आउट किया था। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इसका इनपुट साइज क्या होगा। तो इसका इनपुट साइज बेसिकली फिक्स है, जस्ट वन इनपुट, एक नंबर आपने इनपुट करना है। तो बेसिकली कोई वेरिएशन इसके अंदर जो है वो इनपुट साइज में नहीं हो रही, बिकॉज ऑलवेज यू विल इनपुट जस्ट वन नंबर और एल्गोरिथम सिर्फ उसको क्या करेगा कि प्रोसेस करके इट विल टर्न अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। सो बेसिकली देर इज नो स्मॉलर और बिग इनपुट्स। ओके, लेट्स कंसीडर अनदर केस। इस चीज़ को ज़रा क्लियर करने के लिए जो है वो एक और केस को डिस्कस करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड लार्जेस्ट वैल्यू सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम्स। एक एग्जाम्पल नंबर 3.1 में हमने इसको जो है वो डिस्कस किया था। बेसिकली ये है क्या, जस्ट टू रिमाइंड रिफ्रेश योर मेमोरी। तो हमने कहा था कि वी हैव एन अरे, लाइक दिस इज अरे, और इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, दे कैन बी डिफरेंट एलिमेंट्स, और इसका जो साइज है दैट इज एन। हम वी रिप्रेजेंट द साइज ऑफ, नॉर्मली ये जेन में रखने वेन एवर वी विल वी वॉन्ट टू रिप्रेजेंट द साइज ऑफ इनपुट और साइज ऑफ अरे वी विल यूज दिस नंबर एन। और इसमें से हम एक वैल्यू सर्च करना चाह रहे हैं, लार्जेस्ट वैल्यू के। सो के इज द लार्जेस्ट वैल्यू। सो एल्गोरिथम जो हमने ये पढ़ा था ये जो लार्जेस्ट वैल्यू सिक्वेंशियल सर्च थी, इसमें हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लोकेशन और हम क्या करते हैं कि हम कुछ फर्स्ट हम कंसिडर ये करते हैं कि ये जो नंबर है सबसे बड़ा, एंड देन वी कंपेयर दिस नंबर विद द अदर एलिमेंट्स इन द अरे। और हम क्या करते हैं कि इसकी एक लोकेशन को हम उसको क्या कह सकते हैं कि इसकी जो लोकेशन है उसको हम सेव कर देते हैं, उसको हम अपडेट कर देते हैं। अगर कोई हमें इस फर्स्ट लोकेशन से बड़ा नंबर मिलता है तो व्हाट वी डू एक्चुअली, वी एक्चुअली सेव द लोकेशन ऑफ दैट नंबर। तो हम एंड पे ये कह देते हैं कि लेट्स सपोज के लोकेशन नंबर 10 पे जो नंबर था दैट वॉज द लार्जेस्ट नंबर। बट इसमें जो एक इसका इस एल्गोरिथम का जो एक इशू है इसके साथ वो ये है कि हमें तमाम लोकेशंस को वन बाय वन जो है वो चेक करना पड़ता है। सो वी कैन नॉट लीव एनी लोकेशन अनचेक्ड, अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम कि उसमें हो सकता है कि जो आखिरी लोकेशन पे नंबर हो दैट इज़ द लार्जेस्ट नंबर। तो लेकिन चाहे नहीं है, चाहे फर्स्ट लोके यही नंबर सबसे लार्जेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल एक सॉर्टेड अरे है जिसमें जो है वो फर्स्ट इस लोकेशन पे जो है वो लार्जेस्ट नंबर है और इस आखिरी लोकेशन पे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो दिस नंबर इज लार्जेस्ट एंड दिस इज स्मॉलेस्ट। तो इन दैट केस जो रिमेनिंग कंपेरिजन हैं वो वेस्ट, जस्ट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, लेकिन हमें सारे फिर भी करने पड़ेंगे। सो दिस इज एक्चुअली ड्रॉबैक ऑफ दिस एल्गोरिथम। ओके, सो दिस एल्गोरिथम एग्जामिन्स एवरी एलिमेंट्स इन अरे। आई जस्ट एक्सप्लेन दिस थिंग। And array size n varies, but still algorithm processes every element in the array. तो size जो array का है वो vary हो सकता है, लेकिन क्या होगा कि still उसके बावजूद क्या होगा कि algorithm ने array के हर element को उसने जो है वो check करना है।
इवन इफ द एलिमेंट इज फाउंड एट द स्टार्ट ऑफ द एरे एंड सो इन फैक्ट नो बेस्ट और वर्स्ट केस सिनेरियो। तो चाहे एलिमेंट जो है फर्स्ट लोकेशन पे भी मिल जाए तो हमें ये फिर उसके बावजूद हमें हम पूरी एरे को जो है वो सर्च करेंगे। तो इसमें क्या है कि इसके अंदर कोई भी ना कोई बेस्ट केस है ना वर्स्ट केस है और ना कोई एवरेज केस है। इट्स जस्ट अ यूनिफॉर्म के लिए जो वट एवर द साइज लोकेशन वट इज़ द लोकेशन ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट हम पूरी अरे को ही हम उसको जो प्रोसेस करते हैं। इससे कोई नहीं है कि फर्स्ट लोकेशन पे हमें अगर लार्जेस्ट नंबर मिल भी गया तो इट डजेंट मैटर। सो एक्चुअली इसमें कोई भी बेस्ट और वर्स्ट केस नहीं है। तो ये एक्चुअली वो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने देखा कि इनपुट साइज से जो एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके सो वी विल मूव टू दी इसमें जो है वो हमने देखना है कि अब हम एक ऐसी एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हमें इनपुट साइज के चेंज होने से जो एल्गोरिथम की जो परफॉर्मेंस है उस पर फर्क पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या होगा कि इस केस में क्या होगा कि जो तीन डिफरेंट सिनेरियोस जो है वो क्रिएट होंगे जिसमें एक एवरेज होगा एक वर्स्ट सिनेरियो होगा एक बेस्ट सिनेरियो होगा। सो लेट्स डिस्कस दिस थिंग। फॉर एग्जांपल कंसीडर द प्रॉब्लम सर्चिंग एन अरे कंटेनिंग एन इंटीजर्स टू फाइंड द वन विद द पर्टिकुलर वैल्यू के अज्यूम दैट के अपीयर्स एग्जैक्टली वंस इन द अरे। तो सिमिलर इसमें केस है कि हमारे पास एक एक अरे है और इसी तरह से क्या होगा कि इसका साइज एन होगा और हमने एक एलिमेंट इसके अंदर सर्च करना है के और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो के है कि एग्जैक्टली वंस ही इस अरे के अंदर जो है वो मौजूद है। ओके अब हमने ये करना है कि हमने एक्चुअली करना क्या है कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हम वन बाय वन जो है वो एलिमेंट्स को कंपेयर करते जाएंगे और हमें जहाँ पे ये एलिमेंट मिल जाएगा ये के एलिमेंट जो है ये के एलिमेंट जो है मिल जाएगा तो हम उस लोकेशन को सेव कर लेंगे। दैट इज़ आवर आंसर। हम कह देंगे कि ये जो के है इट्स ऑन ऑन दिस पर्टिकुलर लोकेशन। अब इसकी तीन पॉसिबिलिटी हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आपको ये फर्स्ट लोकेशन पर ही मिल जाए। सो दिस इज़ द एक्चुअली द बेस्ट केस। अब इसमें क्या होगा कि सिर्फ एक कंपैरिजन करना पड़ेगा एंड दैट्स इट। अच्छा इसके टोटली ऑपोजिट क्या हो सकता है कि आखिरी लोकेशन पे मिल जाए। दिस इज़ द लास्ट लोकेशन के जो है वो यहाँ पे हो। सो दिस इज़ एक्चुअली क्या होगा कि आपको जितने भी अरे के एलिमेंट्स हैं सबको चेक करते जाएंगे एंड देन यू विल गो टू दिस लास्ट लोकेशन एंड यू विल फाइंड दैट केस प्लेस्ड हेयर। तो ये हमें जाहिर सी बात है ये नहीं पता था कि आखिरी लोकेशन पे है। तो हम तो ये ऑलवेज एल्गोरिथम में ऐसे ही स्टार्ट करेंगे कि वो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लोकेशन एंड देन कंपेयर ईच लोकेशन वन बाय वन और हम जहाँ पे हमें ये मिल जाएगा कि वहीं पे हम सर्च को जो है वो स्टॉप कर देंगे। अच्छा ये है वर्स्ट केस बिकॉज इसमें क्या होगा कि इसमें हमें एन कंपेरिजन्स करने पड़ेंगे बिकॉज द साइज ऑफ अरे इज एन। ओके और इसके अलावा हो सकता है कि इसके एवरेज केस हो सकता है कि ये एलिमेंट जो है वो किसी मिडल लोकेशन में या अराउंड द मिडल जो है वो कहीं पे हो तो वो हम उसे कह देंगे दैट इज द एवरेज केस। ओके द सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम। अच्छा इसको इस एल्गोरिथम को हम बोलते हैं सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम। बिगन्स एट द फर्स्ट पोजिशन इन द एरे एंड लुक्स एट ईच वैल्यू इन टर्न अनटिल द के इज फाउंड। वंस द के इज फाउंड एल्गोरिथम स्टॉप्स। तो ये अभी जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अब इसमें ये है कि के वी नो दैट के इज ओनली वंस के जो है उसका वो सिर्फ एक बार है तो जहाँ पे भी हमें के मिलेगा वी विल स्टॉप देयर। चाहे वो फर्स्ट लोकेशन पे ही मिल जाए एल्गोरिथम विल स्टॉप एट दैट वहीं पे जो है वो एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। हम मज़ीद उससे आगे जो है वो हम नहीं जाएंगे। अब इसमें क्या है सिक्वेंशियल सर्च में इसमें हमारे पास जो है वो बेसिकली तीन तीन केसेस हमें मिलेंगे। लेट्स डिस्कस दिस। देर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल रनिंग टाइम्स फॉर दिस सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम। उसमें सबसे पहले जो है वो है हमारे पास बेस्ट केस है। बेस्ट केस क्या है फर्स्ट इंटीजर इन इन द अरे कुड हैव वैल्यू के सो ओनली वन इंटीजर एग्जामिन। तो इसमें सिर्फ एक कंपेरिजन हमें करना पड़ेगा दिस इज द बेस्ट केस। वर्स्ट केस क्या होगा इफ द लास्ट पोजिशन इन द अरे कंटेन्स के देन द रनिंग टाइम इज रिलेटिवली लॉन्ग बिकॉज द एल्गोरिथम मस्ट एग्जामिन एन वैल्यूज। तो हमें एन कंपेरिजन जो है वो डिफरेंट कंपेरिजन जो है वो करने पड़ेंगे।
और एवरेज केस क्या होगा, केस फाउंड समवट इन द मिडल ऑफ द एरे, ऑन एवरेज द एल्गोरिथम एग्जामिन्स अबाउट एन बाई टू वैल्यूज। तो ये तकरीबन हाफ होंगी, हाफ साइज उसको करना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली वो मिडल में हो, इट मे बी पॉसिबल कि वो मिडल से थोड़ा पहले भी हो सकता है या मिडल से थोड़ा बाद भी हो सकता है। तो हम ये जो एवरेज केस है, टिपिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश एन एवरेज केस सिनेरियो के ये क्या होता है, लेकिन हम टिपिकली ये ले लेते हैं कि उसको जो है तकरीबन उसे मिनिमम उसको हाफ लोकेशंस जो है वो हम उसे लाजमन जो है वो उसको कंपेयर करनी पड़ेंगी। तो इसलिए जो है वो हम ये कह देते हैं इस जो एल्गोरिथम है ये एटलीस्ट जो है वो एन बाई टू वैल्यू से है वो एग्जामिन करेगा। सो दीज आर दी थ्री डिफरेंट केसेस, और हम इनसे कह देते हैं कि हमारे पास एक बेस्ट केस है, वर्स्ट केस है और एवरेज केस है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अब इनपुट के चेंज होने से द एल्गोरिदम की जो परफॉर्मेंस है वो चेंज हो जाएगी, और उसमें उसमें क्या होगा कि हम डिफरेंट उसमें डिफरेंट उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उसमें वो ये हो सकता है कि हमें अगर एलिमेंट जो है वो फर्स्ट लोकेशन पे ही मिल जाते हैं तो इसकी एल्गोरिदम ये जो है ये बहुत स्पीडली काम करेगा, इट विल रिटर्न यू द रिजल्ट वेरी क्विकली। लेकिन अगर वो लास्ट में है तो वो थोड़ा टाइम लेगा, बट एवरेज मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल एक्सपीरियंस द एवरेज रनिंग टाइम, फिर इसमें एटलीस्ट जो है वो हाफ जो है वो एल्गोरिदम के तकरीबन हाफ वैल्यूज जो है उसको लास्ट भी एग्जामिन करेगा। ओके, तो अब हमने ये देखना है कि हम इनमें से किस सिनेरियो को कंसिडर करेंगे। हमने एल्गोरिदम को अडॉप्ट करना है, वी वांट टू इंप्लीमेंट, वी वांट टू यूज़ दिस एल्गोरिदम इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हमने इन तीनों सिनेरियोज में से एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करने के लिए किस सिनेरियो को डिस्कस करना है। तो लेट्स लेट्स सी दिस वन बाय वन, एक एक करके इसको जो है वो हम देखते हैं। तो बेस्ट केस सिनेरियो रियली हैपन एंड टू ऑप्टिमिस्टिक टू कंसिडर। तो अगर हम ये देख लें कि जी बेस्ट केस सिनेरियो से हमने कहा कि जो एलिमेंट है सिक्वेंशियल सर्च में हमने देखा है कि जो जो एलिमेंट जिसको हम सर्च कर रहे थे इट वाज लोकेटेड एट द फर्स्ट लोकेशन, तो वो हमें हमने अभी एक ही कंपेरिजन किया, साथ ही हमें रिजल्ट मिल गया कि दिस इज द एलिमेंट एंड इट्स लोकेटेड हेयर। बट ये बहुत बहुत कम ऐसे होगा, ये हर दफ़ा ऐसे जो है वो नहीं होगा, इनफैक्ट इट दिस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विल बी वेरी वेरी रेयर। तो और दूसरी बात ये कि इस टू ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक हम इस सेंस में कह देते हैं कि हम थोड़ा सा खुशफहमी का शिकार हो देंगे, हम थोड़े से जो ऑप्टिमिस्टिक हो देंगे कि ये एल्गोरिथम बहुत अच्छा चल रहा है, बिकॉज ये हमें जो जो सर्च है वो बहुत क्विकली जो है वो हमें रिटर्न कर सकता है। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी ज़्यादा इसमें जो है वो खुशफहमी इसके अंदर जो है वो ज़्यादा है। तो इनफैक्ट इतनी इतनी हमें किसी एल्गोरिथम के मुतलिक जो है या उसकी परफॉर्मेंस के मुतलिक जो है वो हमें ऑप्टिमिस्टिक जो है वो नहीं होना चाहिए, या उसको ओवर एस्टिमेट उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो नहीं करना चाहिए। ओके, द एडवांटेज टू एनालाइजिंग द वर्स्ट केस इज दैट यू नो फॉर सर्टन दैट एल्गोरिथम मस्ट परफॉर्म एटलीस्ट दैट वेल। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये है कि हम क्या करते हैं कि हम जो वर्स्ट केस सिनेरियो हमने देखा था कि वो क्या करेगा कि वो जो सिक्वेंशियल जस्ट सर्च जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखी, तो जो एलिमेंट है दैट इज लोकेटेड एट द लास्ट लोकेशन ऑफ द एरे। तो अब उसको ये करना पड़ेगा कि उसका जो रनिंग टाइम एक्चुअली होगा वो क्या होगा, दैट विल बी एन। जो हमने हम देख रहे थे कि वो एक रनिंग टाइम हम इक्वेशन जो है वो हम बना रहे थे, तो इसमें उसका जो रनिंग टाइम है वो एन हो जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे इनपुट अरे का साइज बढ़ता जाएगा उसका रनिंग टाइम भी इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज कि हमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट एन एन कंपेरिजन जो है हमें करने पड़ेंगे, एन वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा कि जो है वो जिसे आप कह सकते हैं कि फिर हमें इसके बारे में पता चलेगा कि हमें ये जो वैल्यू है जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो हमें मिल गई है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें इतना होगा कि दिस इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो कि एट मैक्स इससे पहले भी हमें मिल सकता है,
जिस तरह से जो बेस्ट केस था कि जो एक एलिमेंट है दैट इज लोकेटेड एट द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द एरे, इसी तरह से कि एक एलिमेंट है इट इज लोकेटेड एट द लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे, तो ये दोनों केसेस जो हैं ये बहुत रेयर हैं। बहुत कम ऐसा होगा कि एलिमेंट फर्स्ट लोकेशन पे होगा, बहुत कम ऐसा होगा कि एलिमेंट लास्ट लोकेशन पे होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी लोकेटेड समवेयर इन बिटवीन, अराउंड द मिडल जो है वहाँ पे होगा। अच्छा, अभी इसमें क्या है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो को कंसीडर करने का फ़ायदा क्या है? तो इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें पता होगा कि चलें हम इतना तो पता है ना कि हमें 10 कंपैरिजन करने पड़े, अगर 10 से पहले जो है वो हमें रिजल्ट मिल जाता है सो दैट्स ओके। तो अगर उससे पहले मिल जाता तो दैट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि मैक्सिमम हमें जो है वो एन कंपेरिजन्स करने पड़ेंगे। और लेट्स से कि अगर इसका साइज़ जो है, अरे का साइज़ अगर 10 है, तो हमें पता है कि हमें 10 कंपेरिजन तो करने ही पड़ेंगे, मैक्सिमम इतने करने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकते। 10 तो होंगे, 10 से हो सकता है कि हमें 10 से कम में भी रिजल्ट मिल ले, बट मैक्सिमम कितने होंगे, 10 होंगे, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, ये हमारे जेन में ऑलरेडी जो है वो होगा। तो ये हमें एक एडवांटेज होगा कि ओके इतनी इतनी एक्सपेक्टेशन हमें होगी कि ठीक है ये एल्गोरिदम जो है ये इस हद तक तो जाएगा, ये हमें इसके बारे में पता है। अच्छा, तीसरी हमारे पास जो पॉसिबिलिटी हुई है कि वी कैन कंसिडर द एवरेज केसेस। एवरेज केसेस दे रिप्रेजेंट द टिपिकल बिहेवियर ऑफ एन एल्गोरिदम। तो अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि ऐसा रेयर होगा कि कोई एलिमेंट जैसे सिक्वेंशियल सर्च की हम बात कर रहे हैं वो आपको फर्स्ट लोकेशन पे मिल रहे या लास्ट लोकेशन पे मिल रहे, इट विल बी रेयर। मोस्ट ऑफ द टाइम द एलिमेंट विल बी लोकेटेड अराउंड द मिडल में जो है वो कहीं पे जो है वो होगा। तो अब इसमें इसमें ये है कि वो एक टिपिकल बिहेवियर जो है, जो एवरेज केसेस हैं दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द टिपिकल बिहेवियर, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, अनफॉर्चुनेटली एवरेज केस एनालिसिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, और उसकी रीज़न क्या है वो अब हम देखते हैं। एवरेज केस एनालिसिस फर्स्ट रिक्वायर्स दैट वी अंडरस्टैंड हाउ द एक्चुअल इनपुट टू द प्रोग्राम एंड देयर कॉस्ट आर कॉन डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स टू द प्रोग्राम। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उस एल्गोरिदम को हमें बार बार रन करना पड़ेगा, नॉट जस्ट वन टाइम्स बट मैनी टाइम्स, और जितनी दफ़ा हम उसको उसको रन करेंगे दैट ये उतना हमें जो है उसको उसको उसके बारे में क्लियरली हम उसके बारे में कह सकते हैं। तो सपोज कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप ये सपोज करें कि आपके पास एक रे है और इसके अंदर आपने जो लोगों की हाइट्स हैं वो स्टोर की हुई हैं। तो अब आपने क्या किया है कि आप देख रहे हैं कि इसमें आप कोई कोई वैल्यू पर्टिकुलर सर्च कर रहे हैं कि वो क्या है। तो टिपिकली क्या होता है कि अगर हम इस अरे को इसमें रैंडमली इसको अगर हम इसको हम देखें तो मोस्टली जो लोग हैं, अगर आपने जो स्टेटिस्टिक्स का कोर्स है उसमें देखा होगा कि एक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी एक बेल शेप कर्व होती है, उसमें क्या होता है कि मोस्टली पीपल्स जो हैं उनकी हाइट्स हैं वो एवरेज होती हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाइट्स जो हैं वो कम बहुत कम हो, और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी हाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। बट ये हमें ऐसे नहीं पता चलता, ये हमें जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन से, रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन से, और जब हमारा सैम्पल साइज जो है सफिशेंट हो फिर उसके बाद जो है वो फिर हमें पता चलता है। तो सिमिलर इज द केस विद दिस सिनेरियो कि हमें इस एल्गोरिथम को बार बार जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, नॉट जस्ट वंस बट मे बी 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम, फिर हमें पता चलेगा कि जो वैल्यूज़ हम सर्च करते हैं, जिन जिन वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ लोकेटेड होती हैं। उसमें ये हो सकता है, अगेन ये हो कि अगर हमने लेट्स सपोज के 100 वैल्यू सर्च किए हैं, 100 टाइम्स में सर्च किए हैं, तो मे बी पॉसिबल है कि आपको लेट्स सपोज के 10 टाइम्स जो है वो फर्स्ट लोकेशन पे मिल ले, 10 टाइम्स लास्ट लोकेशन पे मिल ले, बट मोस्टली आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो आपको जो है वो मिडल में कहीं पर जाके जो है वो मिलेंगे, नॉट ऑन दी दिस एंड, नॉट ऑन दिस एंड बट अराउंड दिस मिडल। तो ये हमें जो है मोस्ट ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें सफिशेंट एक्सपेरिमेंट सफिशेंट टाइम इसको इस एल्गोरिथम को रन करना पड़ेगा ताकि हम ये वाकई ही इंश्योर कर लें कि हम कि ऐसे ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो वैल्यूज हम सर्च करते हैं
क्या वो वाकई ही मिडल में कहीं पे लोकेटेड है। बट अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए एल्गोरिदम को प्रॉपरली आपको एनालाइज करना पड़ेगा और फिर आपको इसके बारे में एल्गोरिदम का असल बिहेवियर जो है वो एक्सपोज होगा। ना रियल टाइम एप्लीकेशन प्रेफर वर्स्ट केस सिनेरियोस, अदरवाइज वी रिजॉर्ट टू द एवरेज केस। तो मोस्टली जो रियल टाइम एप्लीकेशन होती हैं तो उसमें क्या होता है कि दे आर एक्चुअली, उनको हम बाज़ुकात हम कह देते हैं कि दे आर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन। तो उसमें क्या होता है कि दे ऑलवेज कंसीडर द वर्स्ट केस सिनेरियो, बिकॉज उन्होंने अपने रिसोर्सेज को उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करना होता है या रिसोर्सेज को उस हिसाब से मैनेज करना होता है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि अगर हम ये कहें कि नहीं जी, वर्स्ट केस सिनेरियोज तो कभी कभी होते हैं, तो हम जो है वो अपने रिसोर्सेज को इस हिसाब से ट्यून करें कि एवरेज केसेस के हिसाब से, तो अगर वर्स्ट केस आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, उस सूरत में जो है वो क्या होगा। तो अगर तो वो रियल टाइम एप्लीकेशन है तो वो जाहिर सी बात है वो क्रैश कर देगी उस टाइम, और उसके पास कोई उसका कोई प्रॉपर उसका उसका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं होगा। लेकिन जो रियल टाइम एप्लीकेशंस नहीं हैं, जहाँ पे हम फेलियर को उसको जो है वो हम उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, तो उधर हम क्या करेंगे कि हम वहाँ पे एवरेज केसेस को ही जो उसे ही को हम जो है वो कंसिडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ को हमने डिस्कस करना है कि ये शुरू में भी हमने देखा था कि हमें क्या करना चाहिए कि हम अगर कोई एल्गोरिथम रन करना चाह रहे हैं तो हमें उसे क्या करना चाहिए, हमें एक अगर हम उसकी एग्जीक्यूशन को फास्टर करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक फास्टर कंप्यूटर लेना चाहिए या हमें कोई फास्टर एल्गोरिथम जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी कंसिडरेशन जो है ये आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी टेक्निकल है, और हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी चॉइस जो है वो ज़्यादा बेहतर है। कंसिडर एन एल्गोरिदम हैविंग एन स्क्वेयर रनिंग टाइम। तो हमने लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि देयर आर सर्टेन एल्गोरिदम्स, ये जो एल्गोरिदम है इसका क्वाड्रेटिक इसका जो है वो रनिंग टाइम है। तो ये लीनियर में क्वाड्रेटिक में फ़र्क क्या होता है कि दिस इज़ अ लीनियर ग्रोथ, क्वाड्रेटिक ग्रोथ शुरू में तो इसके क्लोज रहती है लेकिन बट देन इज सडनली स्टार्ट राइजिंग। तो ये हमारे पास एक एल्गोरिदम है जिसका जो है वो हमने ज्यूम किया है कि एन स्क्वेयर जो है उसका रनिंग टाइम है। ओके, तो अब इसमें ये है कि इट इज़ रन ऑन कंप्यूटर बट इट रन्स 10 टाइम्स स्लोअर। तो हमारे पास एक स्लोअर कंप्यूटर था शुरू में, तो हमने उस पर इसको रन किया बट हमने एक्सपीरियंस किया कि इसकी जो रनिंग है वो काफ़ी स्लो है। अब हमने क्या किया कि हमने एक कंप्यूटर लिया जो हमारे पुराने कंप्यूटर से 10 टाइम्स फास्टर था। ओके, 10 टाइम फास्टर का मतलब ये है कि हमने बेसिक ऑपरेशंस की बात की थी, अगर हमारे पास उसको अज्यूम करें कि हमारे पास जो पुराना कंप्यूटर था 1000 बेसिक ऑपरेशंस कंप्लीट करता था, तो अब जो नया कंप्यूटर है इट विल कंप्लीट 10,000 बेसिक ऑपरेशंस। तो 10 टाइम फास्टर का मतलब जो है वो ये होगा। ओके, एन स्क्वेयर रनिंग टाइम इज एक्सेप्टेबल ऑन न्यू कंप्यूटर। तो पुराने कंप्यूटर में तो हमने देखा था कि ये जो एन स्क्वेयर का जो रनिंग टाइम वाला जो एल्गोरिदम था ये काफ़ी स्लो चल रहा था। तो क्या आप जो जो एक्सपेक्टेशन है हमारी वो ये है कि अगर हमारा नया कंप्यूटर 10 टाइम्स फास्टर है तो इस एल्गोरिथम को भी नए कंप्यूटर पे 10 टाइम्स फास्टर जो है वो चलना चाहिए। तो क्या ऐसा ही होगा, लेट्स सी इट, इसको देखते हैं। फॉर सेम इनपुट साइज द प्रोग्राम विल रन ऑन अ न्यू कंप्यूटर फास्टर देन स्लो कंप्यूटर। तो एक चीज़ ये होगी कि पहली चीज़ ये है कि हम इनपुट साइज फिक्स कर लेते हैं, इनपुट साइज जो है वो चेंज नहीं करना। कंपैरिजन जब हमने करना है पुराने और नए कंप्यूटर को तो उसको हमने इनपुट साइज चेंज नहीं करना, इनपुट साइज हमने सेम रखना है। तो एक चीज़ तो ये होगी कि डेफिनेटली जो हमारा नया कंप्यूटर है विच इज़ 10 टाइम फास्टर देन दी ओल्ड कंप्यूटर, तो ये जो एल्गोरिदम है जो जिसका एन स्क्वायर रनिंग टाइम है ये उस पर फास्टर चलेगा, लेकिन कितना फास्टर चलेगा, दैट्स इट। फॉर अ लीनियर ग्रोथ रेट अ प्रोग्राम विल रन 10 टाइम्स फास्टर। तो अगर तो लीनियर ग्रोथ रेट है, ये हमने डिफरेंट ग्रोथ रेट भी हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, तो उसमें जो लीनियर ग्रोथ रेट है कुछ इस तरह से होता है, इट्स लाइक सिंपली अ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें क्या होगा कि जो जो एल्गोरिथम है जिसका लीनियर ग्रोथ रेट है तो वो नए कंप्यूटर पे 10 टाइम्स फास्टर जो है वो चलेगा।
बट फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिस इज़ नॉट ट्रू, प्रोग्राम विल रन मच स्लोअर देन एक्सपेक्टेड। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि ये जो एन स्केयर वाला जो एल्गोरिदम है जिसका एन स्केयर रनिंग टाइम है, तो ये भी 10 नए कंप्यूटर पर 10 टाइम्स फास्टर चलेगा, लेकिन ऐसा जो है वो नहीं होगा। तो बल्कि वो जो है वो जो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसे उससे काफ़ी स्लो चलेगा। उसकी क्या रीज़न है, लेट्स सी इट। तो ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट ग्रोथ रेट्स हैं, ये हमने लास्ट क्लास में जो है वो हमने देखे थे। इनका ग्राफ हमने एक देखा था कि ये किस तरह से ग्रोथ रेट जो है वो करते हैं। दिस इज़ द लीनियर ग्रोथ रेट, दिस इज़ द लॉगरिथमिक, दिस इज़ द क्वाड्रेटिक और द ये एक्सपोनेंशियल है। अच्छा, ये हमारी पुरानी मशीन है, ये हमारी न्यू मशीन है, और उस पर हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या होगा कि ये हम इनपुट साइज के कोरस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जो लीनियर में है उसमें ये है कि पुराने में अगर 1000 उसका जो मैक्सिमम साइज था जिसको वो प्रोसेस कर सकता था, तो अब जो नया है ये 10,000 कर सकता है। यहाँ पे भी आप देखें ये भी लीनियर ग्रोथ रेट है, तो ये 500 था ये 5000 हो गया। लॉगरिथमिक में जो है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 10 टाइम्स, 10 टाइम्स नहीं है, 10 टाइम्स से कम है। लेकिन क्वाड्रेटिक में भी इसी तरह से ये आप देखें कि ये फास्टर तो है लेकिन ये है कि बहुत नहीं है, और इस तरह से जो एक्सपोनेंशियल है सबसे आप ये कह सकते हैं कि जो वर्स्ट है वो ये है। अच्छा, ये अब हम देख रहे हैं कि चेंज कितनी है, ये नए कंप्यूटर में पुराने कंप्यूटर में चेंज कितने हैं। तो हमने इस लास्ट कॉलम को हम देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये उसने क्या किया है कि जो ओल्डर है उसकी प्रोपोर्शन ले ली है कि चेंज की जो प्रोपोर्शन है वो कितनी है। तो अगर इनपुट साइज सेम हो तो इसमें आप देख लें कि ये इस पे जो एल्गोरिथम है अगर सेम इनपुट साइज है तो नए कंप्यूटर पे ये 10 टाइम्स फास्टर चलेगा इफ़ द ग्रोथ रेट इज़ लीनियर। यहाँ पे भी क्या होगा कि देन न्यू एल्गोरिथम एल्गोरिथम और न्यू कंप्यूटर विल रन 10 टाइम्स फास्टर। अगर उसका जो है लॉगरिथमिक ग्रोथ रेट है तो फिर ये होगा कि वो 10 टाइम्स फास्टर नहीं चलेगा, इट विल ओनली रन अबाउट 7 टाइम्स फास्टर देन द ओल्ड कंप्यूटर। तो नए कंप्यूटर पर जो है तकरीबन ये 7 टाइम्स फास्टर चलेगा, और ये जो एल्गोरिथम है जिसका ग्रोथ रेट जो है वो क्वाड्रेटिक है तो उसमें सिर्फ अबाउट 3 टाइम्स फास्टर जो है ये चलेगा। अच्छा, ये हमें हमने देखा है कि जो हमने हमने डिस्कस किया कि एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी कि जब हम नया कंप्यूटर लेते हैं जो कि पुराने कंप्यूटर से 10 टाइम्स फास्टर है, तो एल्गोरिदम कोई भी हो तो उसको जो है वो 10 टाइम्स फास्टर चलना चाहिए। तो ऐसा जो है वो नहीं होता, सिर्फ जो है इस अजम्पशन को सिर्फ जो लीनियर ग्रोथ रेट वाले हैं वो फॉलो करते हैं, किसी हद तक जो है वो लॉगरिथमिक वाले भी इसको करते हैं बिकॉज इट्स अबाउट 7 टाइम्स। तो चलिए 10 से कम है बट इट्स नॉट वेरी वेरी लेस, लेकिन जो क्वाड्रेटिक वाले हैं ये आप देखेंगे जस्ट 3 टाइम्स फास्टर चलेगा और बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं पड़ेगा। बट द वर्स्ट केस सिनेरियो इज़ दिस वन, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में होंगे उसमें अगर आप देखें जो इनकी इनपुट साइज़ जो प्रोसेस मैक्सिमम कर सकते हैं वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये 13 है, मैक्सिमम एन की जो पावर होगी वो 13 है, और जो न्यू कंप्यूटर है उसमें एन का जो वैल्यू है दैट्स ओनली 16। और दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, दिस इज़ जस्ट अ लीनियर डिफरेंस कि पुरानी मशीन में और नई मशीन में का जो प्रोसेसिंग का डिफरेंस होगा दैट विल बी ओनली द फैक्टर ऑफ 3। तो इसका मतलब जो है वो ये है कि इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन जैसे यहाँ पे हो रहा था कि दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसमें इनमें हो रहा था, दिस इज़ 10 टाइम्स फास्टर का मतलब ये है कि 10 आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है। सो इट्स एक्चुअली हम यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि पुराने कंप्यूटर में और नए कंप्यूटर में जो एल्गोरिथम जिनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और उनकी प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं होगा। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं होगा बिकॉज इट्स जस्ट डिफरेंस कितना है, पुराने और नए में जस्ट +3 का एक कॉन्स्टेंट फैक्टर का डिफरेंस है बस, ये इसके अलावा जो है वो डिफरेंस नहीं है। और ये भी डिफरेंस कहाँ से है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर, इसको आप इस तरह से भी कह देते हैं 16 - 3 इज इक्वल टू 3, तो उसी 3 को हमने जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख दिया, तो सिर्फ इतना डिफरेंस है, इससे ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं है। ओके, तो अब इसमें ये है
कि अगर कोई आपके पास ऐसा एल्गोरिदम है कि जिसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है, तो क्या आपको उस ऐसे एल्गोरिदम के लिए आपको फास्टर जो है वो कंप्यूटर परचेज करना चाहिए, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उसी प्रॉब्लम के लिए एक ऐसा एल्गोरिदम डिज़ाइन करें जिसका ग्रोथ रेट लीनियर हो या लॉगरिथमिक हो, बिकॉज ये दोनों ग्रोथ रेट्स जो हैं ये हमारे लिए किसी हद तक एक्सेप्टेबल हैं। द कर्व फॉर द एल्गोरिदम हुज टाइम इज प्रोपोर्शनल टू टू एंड गोज अप वेरी क्विकली। तो ये हम लास्ट लेक्चर में भी ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये लीनियर का है, ये जो है ये क्वाड्रेटिक का है, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल का है वो सडनली बहुत बहुत जो है वो तेज़ी से जो है वो राइज होता है। तो इसमें क्या है, द इंक्रीज इन द प्रॉब्लम साइज ऑन द मशीन 10 टाइम्स फास्टर इज शोन टू बी अबाउट n+3। तो सिर्फ इतना डिफरेंस पड़ेगा कि सिर्फ +3 के फैक्टर से उसका उसमें ऐड होगा, इससे ज़्यादा जो है उसके अंदर फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। द इंक्रीज इन प्रॉब्लम साइज फॉर एन एल्गोरिदम विद द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट इज़ बाय कॉन्स्टेंट एडिशन नोट बाय अ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर। तो उसमें ये हो रहा है कि हम जो लीनियर ग्रोथ थी उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 10 टाइम्स फास्टर, का मतलब ये है कि हम ये कर रहे हैं कि अगर जो एल्गोरिदम है वो पुरानी मशीन पे लेट्स से कि 10 सेकेंड ले रहा था, तो नई मशीन पे वो 1 सेकेंड में करेगा, लेकिन यहाँ पे इस तरह से जो है वो नहीं है ये, बल्कि एक इतना सिर्फ फ़र्क पड़ेगा कि जो फ़र्क पड़ा है वो सिर्फ एक कॉन्स्टेंट फैक्टर पड़ा है विच इज़ ++3। इट्स नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इम्प्रूवमेंट, इट्स जस्ट एडिशन, कॉन्स्टेंट एडिशन है सिर्फ। ओके, बिकॉज द ओल्ड वैल्यू ऑफ एन वॉज 13 एंड न्यू न्यू प्रॉब्लम साइज इज 16। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये 3 जो है ये सिंपली इस वजह से आया कि बिकॉज के जो हमारे पास जो था न्यू प्रॉब्लम साइज 16 है और ओल्ड वॉज 13, तो 16 - 13 जो है वो 3 है, तो उतना ही फ़र्क पड़ा है, इससे ज़्यादा जो है इसके अंदर फ़र्क जो है वो नहीं पड़ा है। इफ़ नेक्स्ट ईयर यू बाय अनदर कंप्यूटर 10 टाइम्स फास्टर येट देन द न्यू कंप्यूटर 100 टाइम्स फास्टर दैन द ओरिजिनल कंप्यूटर विल ओनली रन अ प्रॉब्लम ऑफ साइज 19। अच्छा, अब इसमें क्या हो गया कि आपने सबसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर था तो फिर आपने क्या किया कि उससे कंप्यूटर लिया जो कि 10 टाइम्स फास्टर था, उस पर हमने कहा कि जो पुराना कंप्यूटर था उस पर जो मैक्सिमम एन की वैल्यू जो हम ले सकते हैं दैट इज 13, फिर जो 10 टाइम फास्टर था उसमें ये आ गया 16। अब हमने एक ऐसा कंप्यूटर लिया है जो इस कंप्यूटर से दिस वन इससे 100 टाइम फास्टर है, तो उस पर जो मैक्सिमम प्रॉब्लम साइज है वो हो जाएगा 19, यानी कि एन की वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसके लिए एन की वैल्यू जो 100 टाइम फास्टर मशीन है वो सिर्फ 19 दे सकते हैं, इससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम इनपुट विच दैट दिस कंप्यूटर कैन प्रोसेस। तो अब इसमें क्या होगा कि अगेन क्या होगा कि इसमें कोई मल्टीप्लिकेटिव जो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट इसके अंदर जो फ़र्क आएगा वो अगेन एक कांस्टेंट फैक्टर जो है वो जो पुरानी मशीन है और नई मशीन की जो इस जो एल्गो जो है जो इसमें फ़र्क आएगा वो सिर्फ एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर जो है वो आएगा। इसमें अब क्या है कि हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कंसीडर रिप्लेसिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट विद द लॉगरिथमिक ग्रोथ रेट। तो ये हमारे पास एक एन स्क्वायर का है, हमने इसको रिप्लेस कर दिया विच एन लॉग एन। अब हम क्या करते हैं कि एल्गोरिदम विद रनिंग टाइम एन स्क्वायर, ये हमने देखा था कि उसका रनिंग टाइम एन स्क्वायर है, तो इसका जो है इसका मतलब ये एन स्क्वायर का मतलब ये है कि इट विल रिक्वायर, अगर इसका इनपुट साइज जो है वो 1024 है, लेट्स से दिस कैन बी दी नंबर ऑफ जो लोकेशंस हैं उसमें, ये नंबर ऑफ कंपेरिजन हैं जो उसमें रे का जो साइज है दैट इज 1024। अब आपको यह करना पड़ेगा 1024 × 1024, तो ये इतने टाइम स्टेप्स जो है वो आपको इनपुट करने पड़ेंगे फॉर 1024। तो इतने इतनी इतने कंपेरिजन्स या इतनी कंपटीशन जो है जो बेसिक ऑपरेशन है वो आपको करने पड़ेंगे, दिस इज़ वेरी 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 लार्ज वैल्यू। और अगर आप एल्गोरिदमिक लेते हैं, एन एल्गोरिदम विद रनिंग टाइम एन लॉग एन रिक्वायर्स 1024 × 10, तो इस ओनली रिक्वायर्स ये 10,240 टाइम स्टेप्स फॉर इनपुट साइज ऑफ एन इज इक्वल टू 1024। अब इसमें आप देख लें और इसमें देख लें, दिस अ ह्यूज डिफरेंस।
दिस इज़ एक्चुअली हमने उसको चूंकि एम स्केयर था, उसका मतलब ये है कि हम इस इनपुट का स्केयर ले रहे हैं। तो आप ये देखें कि ये जो उसका जो एग्जीक्यूशन है, उसका जो रनिंग टाइम है, सिंपली फॉर सिंप्लीफिकेशन अगर आप ये कह सकते हैं कि इनमें से एक स्टेप को कंप्लीट होने के लिए अगर 1 सेकेंड चाहिए, तो आप ये ज्यूम करें कि एल्गोरिदम का जो जो टोटल रनिंग टाइम है, दैट विल बी दिस वन अबाउट दिस इज़ अबाउट 1 मिलियन सेकेंड। और जबकि अगर आप इसका तरफ देखें, दिस इज़ ओनली 10,000 सेकेंड्स, अगर आप सेम सेम टाइम कंसिडर जो है वो करें। इनफैक्ट जो है वो 1 सेकेंड में कंप्यूटर में कोई ऑपरेशन होता है, इस टू लार्ज टाइम। मोस्टली जो ऑपरेशन है कंप्यूटर में वो माइक्रो या नैनो सेकेंड्स में जो है वो कंप्लीट होते हैं। लेकिन जस्ट फॉर सिंपली क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि अगर ये एक स्टेप जो है वो 1 सेकेंड में कंप्लीट होता है, तो जो एन स्केयर का एल्गोरिदम होगा ये 1 मिलियन सेकेंड चलेगा। और ये जो लॉगरिथमिक जिसकी ग्रोथ है, ये सिर्फ जो है वो 10,000 सेकेंड जो है उसमें आपको इनपुट जो है वो दे देगा। इफ़ द प्रॉब्लम साइज इज़ ग्रेटर देन 58, तो ये जो एन स्केयर है इट विल बी एन लॉग एन। तो ये हमने जो है वो देखा था, जो लास्ट क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमने एक जो ग्राफ देखा था, तो उसमें हम देखें कि जब एन स्केयर जो इनपुट साइज है, ये एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू जो है वो 58 से ग्रेटर हो जाए, तो एन स्केयर विल बी लार्जर देन एन लॉग एन। सो इफ़ योर प्रॉब्लम साइज इज ग्रेटर देन 58, यू शुड प्लेस योर एल्गोरिदम रादर देन बाइंग न्यू कंप्यूटर। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर इसका इसका इनपुट का साइज़ है ये 58 या इससे ज़्यादा हो जाता है, अगर इससे कम रहेगा तो फिर इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, कंप्यूटर्स में इसके इन दोनों की परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बट अगर ये 58 से ज़्यादा हो जाता है, तो तब क्या होगा कि जो एल्गोरिदम की जो रनिंग है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो एन स्क्वायर जो है वो दैट विल बी ग्रेटर देन एन लॉग एन। तो इस सूरत में आपको करना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ बाइंग अ फास्टर कंप्यूटर, यू शुड इम्प्रूव योर एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम की जो कम्प्लेक्सिटी है या उसका जो रनिंग टाइम है, उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए फ्रॉम एन स्क्वायर टू लॉग एन। अगर आप उसको लीनियर कर देते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन क्या होगा कि एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि एन स्क्वायर से उसको जो है वो एन लॉग एन जो उसका रनिंग टाइम है उसमें आप उसको कन्वर्ट करते हैं। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, और हमने जो टॉपिक अपना स्टार्ट करना है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द एसएम टॉपिक एनालिसिस। तो उसमें हम जो है वो इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे, विच इज़ अबाउट द बेस्ट वर्स्ट और एवरेज केसेस। तो उसमें हम ये देखेंगे कि हमने जिस तरह से ये रनिंग टाइम क्वेश्चन देखी थी, तो हम बेस्ट केस और एवरेज केस और जो वर्स्ट केस है इसकी हम जो 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 इनकी रनिंग टाइम क्वेश्चन है, हम उसको कैसे जो है वो हम इसे बनाते हैं। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, आई से यू अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।